सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करेंगे। एफएमसीजी की बड़ी कंपनी है एचयूएल। स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है इंट्राडे में। कल नतीजे आए थे और नतीजों के बाद आज शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त जो शेयर प्राइस है 2480 में है। लाइव ट्रेडिंग चल रही है। लगभग 6.5% स्टॉक नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है इंट्राडे में। और एचयूएल की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी कंपनी है एफएमसीजी में। दोस्तों एक तेज़ी बनी थी एचयूएल में भी। 2172 इसका लो है सालाना, बढ़कर 3035 तक पहुंचा था। और 3035 का जो टॉप किया है वहाँ से गिरकर आज के दिन लगभग 500-600 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो क्या वजह रही है शेयर में जो गिरावट देखने को मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। और कंपनी ने जो दूसरी तिमाही के नतीजों को डिक्लेयर किया है, नंबर्स को चेक करते हैं और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। दोस्तों तो जो निवेशकों ने 2481 के ऊपर शेयर को लिया है तो शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार आगे की बात करें। ये सारे पॉइंट्स देखकर आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। तो जो अपडेट है डिविडेंड का उसके बारे में बात करेंगे। डिविडेंड से गारंटी कमाई होती है रिकॉर्ड डेट के अनुसार। और जो बिजनेस रहा है पिछले 3 महीने का Q2 का, दूसरी तिमाही का, नंबर्स को चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। जो निवेशकों ने 2500 के ऊपर खरीदारी कर ली है HUL में, तो वो निवेशक एक तरह से वरीड होंगे, चिंतित होंगे कब उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा या आएगा। जैसे कि 2600, 2700 या 2800 में खरीदा है तो वो निवेशक एक तरह से चिंतित होंगे। उस डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये इंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने 29 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपीज़ का है। इसमें जो डिविडेंड दिया गया है इंट्रीम डिविडेंड है 19 रुपीज़ का और साथ में कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड दिया है 10 रुपीज़ का। तो 29 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, डिक्लेयर किया है, इंट्रीम डिविडेंड है ये। लेकिन इस डिविडेंड को पाने के लिए एक रिकॉर्ड डेट भी तय की जाती है और वो रिकॉर्ड डेट है 6 नवंबर 2024 से पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी उन निवेशकों को 29 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड का जो पे आउट होगा दोस्तों 21 नवंबर 2024 को होगा। आगे पीछे थोड़ा बहुत रह सकता है, 21 नवंबर 2024 को डिविडेंड का पेमेंट होगा। तो रिकॉर्ड डेट जो है वो है 6 नवंबर 2024। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीद लिया है ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो 29 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है निवेशकों को दोस्तों। तो डिविडेंड से गारंटी कमाई होती है, ये लाभांश का अपडेट है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं और क्या रहा है दूसरी तिमाही में। फाइनेंशियल रिजल्ट है HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। और 30 सितंबर 2024 के क्वार्टर में 15,817 करोड़ का इसका टोटल इनकम है, 15,559 करोड़ का एक साल पहले था और जून के क्वार्टर का 15,596 करोड़ का था। तो 15,500 के आसपास ही इसका टोटल इनकम रहा है, थोड़ा बहुत बड़ा है, ग्रोथ है 200-300 करोड़ की क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, सालाना भी। और कंपनी का जो एक्सपेंसेस है 12,265 करोड़ का है। तो एक्सपेंसेस एक तरह से ज़्यादा हुआ है, 12,265 करोड़ का एक्सपेंसेस है। तो मुनाफा 2,612 करोड़ का है, 2,717 करोड़ का एक साल पहले था, 2,538 करोड़ का जून के क्वार्टर में था। तो अब की बार मुनाफा सालाना कम रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ कर आया है। और टोटल कंप्रहेंसिव इनकम का जो अपडेट है 2,608 करोड़ का है दोस्तों।
और अर्निंग पर शेयर 11.12 का है। तो ये दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं जिसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है दोस्तों। टोटल इनकम बढ़कर तो आया है बट ये कि साल भर के अनुसार देखते हैं तो उसी के आसपास है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो साल भर पहले प्रॉफिट ज़्यादा था, अब की बार कम है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़कर आया है, आसपास ही है, ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है पिछले एक साल के अंदर। मार्केट कैप की बात करते हैं, 5,83,380 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 216 का है। डिविडेंड यील्ड है 1.68% का और इसका आरओई है 20 का और पी रेशियो है 56 का दोस्तों, 56 का इसका पी रेशियो है। तो एक तरह से देखिए 216 का इसका बुक वैल्यू है और स्टॉक 2400-2500 के आसपास कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है एचयूएल में पिछले एक दो साल के अनुसार, जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है आसपास ही है दोस्तों। जो शेयर जो गिरा है आज 6-6.5% की जो गिरावट देखने को मिली है, तो ग्रोथ एक तरह से रही नहीं है। तेज़ी बनी थी शेयर में तो स्टॉक गिर गया दोस्त। और आगे फिर तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे और फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो देखना पड़ेगा कि कितना सेल्स होता है और ग्रोथ कितनी रहती है और एक्सपेंसेस कितना होता है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। खबर ये है कि आइसक्रीम का बिजनेस अलग कर रही है कंपनी दोस्तों, तो एक तरह से ये खबरों में बना रहेगा एचयूएल का शेयर। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं 2486 में, इंट्राडे में 6.5% की गिरावट है और पिछले एक साल का रिटर्न नील हो गया। 2172 से बढ़कर 3035 तक गया था, एक तेज़ी बनी थी शेयर प्राइस में, टेक्निकली एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ था बट ये स्टॉक सितंबर के महीने से गिर रहा है। ये 23 सितंबर 2024 को 3000 के आसपास था स्टॉक, तब से एक तरह से गिर रहा है पिछले एक महीने से। और जो सपोर्ट एक तरह से देखिए 2400 का रहेगा, इसके नीचे स्टॉक आता है तो ओवरसोल्ड की स्थिति बनेगी, इसमें बाइंग भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 3 मंथ ये स्टॉक ऊपर की तरफ 2600-2700 ऊपर की तरफ रह सकता है। इसी महीने ये स्टॉक 2768 में था तो एक तरह से नीचे की तरफ गिरा है लगातार, तो ओवर सोल्ड की स्थिति बनी है तो 2400 के नीचे भी आएगा तो इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ऊपर की तरफ जो निवेशक फंसे हुए हैं उन निवेशकों को क्या करना चाहिए, डिविडेंड दिया है कंपनी ने, डिविडेंड लीजिए। स्टॉक में तेज़ी बनती है, आपका शेयर प्राइस आता है तो अपना डिसीजन करें क्या करना है। और पिछले 2-3 साल की बात करते हैं तो ये एचयूएल में कोई तेज़ी नहीं आ रही दोस्तों, एक रेंज में ही घूम रहा है। और डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 1.70% का है। शेयर प्राइस बड़ा है, अब जैसे कि डिविडेंड दिया है 29 रुपये का तो रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड लीजिए। शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है हमको एचयूएल में दोस्तों।